ये देखो, इस वाले सवाल में क्या कहते हैं कि ये बेसिकली हमारे पास रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, रेडियो एक्टिव इलिमेंट है जिसका हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव इलिमेंट वो क्या है, 30 मिनट से 30 मिनट में अपने का आधा हो जाएगा भाई, अंडरगो द बीटा डी के। चलो, द फ्रैक्शन ऑफ रेडियो एक्टिविटी रिमेन्स आफ्टर डी के 90 मिनट्स, मतलब जब टाइम बीत चुका होगा 90 मिनट्स, तो 90 मिनट्स का क्या मतलब होता है भाई, 90 मिनट का मतलब होता है, 90 मिनट्स का मतलब होता है 3 हाफ लाइफ, ठीक है, 3 हाफ लाइफ बीत चुका होगा, 3 टाइम्स हाफ लाइफ, तो ये जो समय बीत चुका होगा, तो फ्रैक्शन ऑफ रेडियो एक्टिविटी रिमेन, मतलब फ्रैक्शन रिमेन मतलब क्या होता है, एन अपन एन नॉट की वैल्यू पूछ रहा है, समझ रहे हो, एन अपन एन नॉट की वैल्यू, ये रिमेनिंग फंक्शन है। तो अगर फ्रैक्शन है तो एन की वैल्यू देखोगे तो एन नॉट फार्मूला पढ़ोगे, 1/2 2 की पावर n, और एन क्या था, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, तो टोटल टाइम टी, तो एन जो है नंबर ऑफ, यहाँ से हाफ लाइफ देखोगे तो टाइम स्पेंड मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ से तुम देखोगे नंबर ऑफ हाफ लाइफ, तो टोटल टाइम स्पेंड तुम देखोगे इस फार्मूले को, या टोटल टाइम स्पेंड नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाइड बाई हाफ लाइफ, तो यहाँ से एन की वैल्यू एन इज इक्वल टू एन नॉट, और तुम पढ़े होगे 1/2, और ये स्मॉल टी अपॉन हाफ लाइफ की वैल्यू, ठीक है, तो फ्रैक्शन रिमेन एन इज इक्वल टू एन नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2, और टोटल टाइम 3 हाफ लाइफ है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई हाफ लाइफ, और 1 हाफ लाइफ से डिवाइड करोगे तो हाफ लाइफ कट जाएगा, मतलब 1/8 फ्रैक्शन बचा होगा, तो 1/8 फ्रैक्शन रिमेनिंग होगा, मतलब हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।